दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। इससे पहले मुश्ताक साहब के आप सवाल करें ताबिज साहब से, ज्यादा बेहतर ये है कि हमने एक ये कुछ कराची के लोगों से पूछा कि वो KESC के बारे में क्या महसूस करते हैं। तो पहले हैं जो है उनको वो खुदा दें कि खल्के खुदा क्या कह रही है, उसके बाद आप सवाल कर लीजिए। KESC को जब प्राइवेटाइज किया गया था देयर वॉज वन कंडीशन कि 7 साल तक KESC टैरिफ में इजाफा नहीं करेगी। आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट और KESC मिलकर इन्होंने टैरिफ को 5 टाइम्स आगे बढ़ाया है। किसी चीज की कमी नहीं है मुल्क में, ना बिजली की है, ना पानी की है, ना जो फ्यूल है इनको जो गवर्नमेंट दे रही है नॉन की है, ये सब पता नहीं कोई सियासी लेवल पे सब हो रहा है काम। शिकायत करने आते तो साहब बैठा ही नहीं है, साहब है ही नहीं, अब बताओ क्या करें। और वहाँ से दो दो तीन तीन घंटों याद लाइन आती नहीं है। अब इन हालात को देख लो इस मुल्क के और यकीन कर लो कि अल्लाह ही चला रहा है इसको और किसी का बस नहीं इसको चलाने। घर जाओ उसको बिजली गई, यहाँ आओ उसको बिजली गई, जनरेटर चल रहा आपके सामने, रोजाना 400 साढ़े 400 500 रुपये का पेट्रोल मिलता है, परेशानी अलग है। क्या हमारा जो घर का बिल है वो 12,000 रुपये का है 3 महीने का, यानी 1 महीने का बिल 4,000 रुपये का है। इनको कोई फिक्र नहीं है कौम से, इनको अपना माल बनाना है, पब्लिक का कोई एहसास नहीं है इनको। जी ताबिश गौर साहब, खल्के खुदा की बात सुनी, उनके छोटे छोटे मसाइल भी हैं, लेकिन एक मसला ये था कि जब इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो ये नवीद सुनाई गई थी कि एक तो जो गवर्नमेंट को लॉसेज है वो कम होंगे और दूसरा जो जो पार्टी जो कंपनी इसको खरीदेगी वो इसमें बाकायदा प्रोडक्शन के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है जो बहुत बहुत सीधा बड़ा पुराना है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की और इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया अभी तक? जी मैं आवाम के मुश्किलात और उनके जो तासरात हैं उनसे बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि शायद आपके इल्म में हो हमने चंद माह कबल खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया है और मैं बताते खुद कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में गया हूँ, वहाँ पे आम आदमी से मुलाकात की है, उनकी आंख में आंख डाल कर मैंने उनसे बातें की है, उनके मसाइल को समझा है। तो इनका इनकी मुश्किलात का मुझे बखूबी इल्म है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि यकीनन उस वक्त कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई होंगी, प्राइवेटाइजेशन को हुए हुए भी तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। ये मौजूदा इंतजामिया ने इदारे के मूल 18 माह कबल संभाले हैं और पिछले 18 माह का जो हिसाब है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पिछले 18 माह में तकरीबन $208 मिलियन की नई सरमायाकारी हुई है KESC में, और ये बात मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अगर इसमें किसी को शक है तो वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, स्टेट बैंक से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से या कराची स्टॉक एक्सचेंज से इसकी तस्दीक कर सकता है। इसके अलावा तस्दीक हो सकती है, लेकिन ताबिश साहब ये तस्दीक तो लोगों को, अगर 208 मिलियन है तो ये कराची के लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उनको रिलीफ की सूरत में ये इन्वेस्टमेंट पहुंचे। बेशक, और कराची के अवाम को सिर्फ एक दो चीज़ों से गर्ज है, शायद 3 चीज़ों से गर्ज है। एक ये कि उनके घर बिजली बगैर तातुल के आए, दूसरी उनकी गर्ज ये है कि बिजली के दाम इतने महंगे ना हो कि उनकी कुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा हो जाए, और तीसरी इनकी गर्ज ये है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है निज़ाम में तो वो जल्द अज जल्द उसको फॉल्ट को रेक्टिफाई किया जाए। यही 3 मकासद होते हैं या गर्ज होती हैं एक आम आदमी की। जहाँ तक बिजली की लोड शेडिंग का ताल्लुक है, मैं ये आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पिछली गर्मियों के नस्बत आज कराची में हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, ये बात स्टैटिस्टिकली भी साबित की जा सकती है। लोड शेडिंग की मैं पॉलिसी आपको बयान कर दूं, यहाँ पर 5 सनअती जोन्स हैं जिनको हम लोगों ने लोड शेडिंग से बिल्कुल मुकम्मल मुस्तस्ना करार दे दिया है पिछले कई माह से। कई हसास इदारे हैं जिसमें हस्पताल हैं, कोर्ट्स हैं, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी 24 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाती है। उसके अलावा रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर्स जो हैं हमारे तकरीबन 18 लाख के लगभग, उनको दिन में 3 दफ़ा लोड शेडिंग से लोग गुजरते हैं 1 से 1.5 घंटे के दौरानिया, यानी 3 से 4.5 घंटे उनकी लोड शेडिंग होती है और रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लोड शेडिंग नहीं होती। इसी पॉलिसी पर हम पिछले कई माह से कारबंद हैं। अब लोड शेडिंग के जी ठीक है ताबिश साहब, आप जो जी नहीं उसकी वजूहत अपनी जगह सर, लेकिन उससे ज्यादा जो बुनियादी बात जो मैं मुझसे सारे लोग जब मैं होता हूं कराची में तो शिकायत करते हैं वो ये है कि सर मैं नहीं कह रहा, आपने खुद फरमाया था कि कराची के रिहायशी इलाकों में 2.5 लाख कुंडे लगे हुए हैं, 2.5 लाख।
आपने फरमाया था आपकी कंपनी का दिया हुआ फिगर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि आपने 18 महीनों में उन कुंडों का क्या किया, क्योंकि लोगों का तासुर ये है कि चोरी कोई और करता है, और लेकिन मतलब कि नुसरत जावेद बिजली चोरी कर रहा है और बिल उसका मुश्ताक को देना पड़ रहा है। बेशक, और यही हमारा भी नारा था कि वो करें हम भरें। इसका मकसद ही यही था कि लोगों को समझाना कि अगर आपके मोहल्ले में आपका पड़ोसी और उसका पड़ोसी चोरी में मुलव्वस है या फिर वो बिल अपना वक्त पे अदा नहीं कर रहा, तो उसका मनफी असर आप पर भराए रास्त पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोड शेयरिंग के असबाब जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था उसके कई हैं, लेकिन बिजली की चोरी और बिलों की वक्त पे अदायगी ना करना दो बुनियादी वजूहात हैं। पूरे शहर पर इसका मनफी असर पड़ता है, और ये मुमकिन ही नहीं कि अगर आप दयानतदारी के साथ बिजली इस्तेमाल करते हैं और वक्त पे बिल अदा करते हैं तो वो हजरात जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं जो ऐसा नहीं कर रहे उसका मनफी असर आप पर ना पड़े, क्योंकि पूरे निज़ाम की बात है, हमें पूरा निज़ाम चला रहे हैं। और जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे इतने इतने मकदार में या इतने अमाउंट में जिससे हम तेल खरीद सकें, जिससे हम गैस खरीद सकें, जिससे हम IPPs और आपदा से बिजली खरीद सकें, तो यकीनन हम लोगों को लोड शेडिंग करना पड़ती है। देखिए ताबिर साहब, वो इलाके कुछ तो आपने जो है यकीनन आपने मैपिंग की होगी, आपके रेडार पे होंगे जहां पर ये 2.5 लाख कुंडे हैं, क्या आपने, आपको माशाल्लाह एक अच्छी पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट सुना है मिली हुई है जिसमें MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, उनको ये कहा कि भई आप लोगों का आवाम में असर रसूख है तो हमारी मदद कीजिए ये कुंडे हटवाने में, कोई ऐसी सीरियस एफर्ट की? हमारी उनसे हमेशा इस मौजू पे बातचीत रही है, हमने हमेशा उनसे इल्तिजा किया है कि अगर KAC को कामयाब करेंगे तो कराची को कामयाब करेंगे, और अगर कराची को कामयाब करेंगे तो मुल्क को कामयाब करेंगे। ये वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो प्राइवेटाइज हुई है, बड़े लोगों की इस पर नज़र है, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, वो सब देख रहे हैं कि अगर KAC एक कामयाब तजुर्बा होता है तो मुख्तलिफ और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी प्राइवेटाइज की जा सकती हैं। और इससे ज़्यादा अहम बात, जो अरबों रुपये और डॉलर दरकार हैं निज़ाम को बेहतर करने में, लोड शेडिंग के खात्मे के सिलसिले में, उसका बहुत बड़ा दारोमदार KAC की सक्सेस से है, उसका ताल्लुक है उससे। तो हमने भी तमाम हुकूमती इदारों को और लोगों से ये कहा है कि बिजली की चोरी में की रोकथाम में हमारी मदद कीजिए। अच्छा सर, एक आम आदमी के सिलसिले में तो चलें जी हम कह सकते हैं कि वो चोरी करता है, टेम्प्ट हो जाता है, लेकिन आपने एक मरतबा ये भी फरमाया था कि तकरीबन 2500 के करीब माशाल्लाह ऐसी मसाजिद हैं और मंदारिस हैं जो हमें और आपको इस्लाम का अखलाक का दर्श देते हैं, वहां पर भी बिजली का निजाम गड़बड़ है और सनती इलाकों के अंदर भी बिजली चोरी एक बड़ा मसला। वो तो खैर ठीक बात में, लेकिन ये इनको तो अखलाक का को दर्श देने की जरूरत नहीं है आपको, इन 2500 मसाजिद और मदारिस को इनका क्या किया कि जब अखलाक हमें सिखाने वाले मसाजिद और मदारिस से भी हम लोगों ने बातचीत की है, बल्कि कुछ अर्सा कबल मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा ने एक फतवा भी जारी किया था जिसमें बिजली की चोरी को हराम करार दिया गया था, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा अमल दरामद नहीं हुआ। और ये मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि यकीनन कुछ मसाजिद और मदारिस ऐसे हैं जो समझते हैं कि बिजली की चोरी करना कोई गैर इस्लामी फेल नहीं है, और हम उनको ये समझा